गुड मॉर्निंग भाई सबको, ओम नमः शिवाय। अपने यहाँ पे गौरीकुंड में आके होटल गया था, यहाँ पे नाइट स्टे की। अब गौरीकुंड में नहाने जा रहे हैं। कहते हैं जहाँ नहाते हैं, गौरीकुंड में नहाते हैं तो सब पाप धुल जाते हैं। देखो आपको व्यू चेक करवाता हूँ अपने होटल का। देखो गाइस, ये यहाँ पे सब हुआ है। ये देखो यहाँ पे नहाते हैं। एक तरफ ठंडा पानी है, एक तरफ गर्म। हाउ इज इट पॉसिबल, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे है भाई गर्म पानी। जिस हिसाब से सब बैठे हैं उस हिसाब से पता चलेगा कि पानी बहुत गर्म है। इस साइड है ठंडा पानी। इस बंदे को देखो, पानी है। भाई भाप से देख लो कितना गर्म होगा पानी। ये देखो, और कुछ जगह भी नहीं हुआ यहाँ। नेचुरल गर्म पानी है, उस साइड ठंडा। ये बहुत गर्म पानी था, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। भाई चेकआउट हो चुका है। ये अपना होटल था, बहुत बढ़िया सर्विस का ही। ठंड तो लगी नहीं बिल्कुल, और पहाड़ों की चाय का ये स्वाद है भाई। चाय पी लो सब। कौन सा दिखा तो सही, एक बार यही है ना। ठीक है भाई, बहुत सुंदर सुंदर बनाया हुआ है। ये है 300 का, ये उससे सस्ता। अब हम जा रहे हैं नीचे कैब के पास, वहाँ से अपना सीधा सोनप्रयाग निकलेंगे जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, फिर वहाँ से अपना सीधा बद्रीनाथ। कल सुबह दर्शन करेंगे बद्रीनाथ, क्योंकि 8-9 घंटे लगेंगे ना पहुंचने में, तो सुबह ही दर्शन हो पाएंगे। रात को वहाँ पे होटल लेके सुबह नहा धो के अपना दर्शन टेक करके फिर उसके बाद आगे प्लान बताता हूँ क्या होएगा। वैन जाती है, टैक्सी, ऐसी टैक्सी जाती है यहाँ से नीचे। यहाँ से ऊपर भी यही टैक्सी आती है, यहाँ से नीचे भी यही जाती है, और कोई गाड़ी अलाउड ही नहीं है यहाँ से जाना। हाँ तक कैब ने उतार दिया, अभी यहाँ से पैदल जाना है वहाँ तक। गाइस ये पुल पार करना है, फिर यहाँ से पैदल जाना है यहाँ तक। टिकट है भाई यहाँ से जाने का, 2-3 किलोमीटर बचते हैं, वरना वहाँ से तो 3-4 किलोमीटर लगते हैं यहाँ पुल तक के। शॉर्टकट बहुत खतरनाक है। ये रास्ता जाते हैं गाइस त्रिंजू की नारायण, जहाँ शिव पार्वती की शादी हुई थी, और हम नीचे जा रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। रुक गए हैं गाइस खाना खुना खाने, बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ता है ये होटल। बाकी भाई व्यू बहुत अच्छा है, और रास्ता तो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक रास्ता है यहाँ का। व्यू देखो, बहुत खतरनाक रास्ता है। मतलब वन वे है, एक तरह से वन वे है, और वन वे पे ही दो दो गाड़ियाँ जा रही हैं साथ साथ। रास्ता बहुत खतरनाक है, मैं तो एडवाइस करूँगा कोई परफेक्ट ड्राइवर आए तो उसके साथ ही आना, और गाड़ी अच्छी लेके आना। दुनिया जमाने से मिटाए है, तुझसे ही यारी है हमारी एक बार। गाइस व्यू देखो, क्या ही खूबसूरत व्यू है।
गाइस व्यूज देखना, क्या ही खूबसूरत है, क्या ही डर भी लगता है बट देखो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पेट्रोल इतना बचा हुआ है, बलवाने रुके हुए थे। कहीं मिला ही नहीं पेट्रोल पंप, यही मिला पूरे रास्ते में बद्रीनाथ के, यही मिलेगा आपको। दो हजार का ही आया इसमें, यही था उम्मीद की 2000 तक आ जाएगा। अब निकलते आगे, कोई दिक्कत नहीं होगी पेट्रोल पंप में, ये ना मिले। टन जा चुकी है भाई, एक ही टन है बस यहाँ, एक ही है। बद्रीनाथ के रास्ते में अभी तो एक, अब तक एक टनल आई है, उसके बाद क्या पता कितनी आए। देखो ये देखो भाई, रास्ते मतलब पहाड़ी की वजह से टूटे हुए हैं, चार निकला हुआ है भाई, और धूप भी है, धूप भी है साथ में, देखो पहाड़ पे धूप है और साथ में चार निकला हुआ है। एक ऐसी औरत जो रात हो गया भाई, 10 बजे के चले हूँ, अब तक नहीं पहुंचे, 6 बज गए हैं। 250 किलोमीटर था, अब 30-40 किलोमीटर बचा हुआ है, बहुत ट्रैफिक है, पहले ट्रैफिक नहीं थी, अब जितना छोटा रास्ता होता जा रहा उतनी ट्रैफिक होती जा रही है भाई। एक्सीडेंट हो गया, चोट तो नहीं लगी भाई, चोट तो नहीं लगी, साइड में ही आ जाओ थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर चाहिए ना कोई चाहिए नहीं है, कोई अपने साथ क्रिमिनल का बंदा भी है भाई। 405 कोई जानता हो तो जरूर कमेंट में बताना कौन है ये। 2876 भाई, बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पे, बहुत ज्यादा पहाड़ देखना कैसे टूटा हुआ है। साइड में कोई स्पॉट भी नहीं है, हाँ भाई बहुत ज्यादा। इधर खाई है, खाई है भाई। यहाँ से नदी स्टार्ट होती है जी, ये फ्लाई ओवर है, मैं पुल सा बनाया हुआ है एक, मतलब कंस्ट्रक्शन भाई बहुत जोरों शोरों पे है, बनाते हैं सड़क फिर टूट जाती है, क्या करें, टूटना तो आई है बट भाई गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम कर गए हैं, टूटती है फिर बनाती है हमारी, ये ऐसा तो है नहीं कि अपना नगर वाली सड़क अब तक सालों तक नहीं बनी, ऐसा हाल तो है नहीं भाई। पहुंच गया भाई बड़ी मुश्किल से गाई गाड़ी पार्किंग में, ये यहाँ भी गाड़ी खड़ी थी, यहाँ भी गाड़ी खड़ी थी, अब देखो कैसे गाई होगी, मतलब अभी गाई है जस्ट इतनी जगह है, दो अभी मतलब जबकि ये खड़ी थी गाड़ी यहाँ पे और ये भी खड़ी थी, ये गाई है अभी पार्किंग में, थोड़ा 90 मीटर दूर है यहाँ से मंदिर, तो अब होटल देख रहे हैं कोई जहाँ पे स्टे करेंगे, फिर उसके बाद चल सुबह चलते हैं, नहा धो के मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर अपना
आगे जैसा भी होगा आपको बता दूंगा मैं। मिलते हैं फिर, बाय बाय गाइस, बाय बाय, बाद में मिलते हैं जल्दी। कल आपका व्लॉग दूसरा नया व्लॉग आ जाएगा, प्लीज़ ऐसे ही स्पोर्ट बनाए रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करें।